से ज्यादा अच्छा लगता है यहाँ का फूड। जा रही है तो सो गई। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। अभी हम लोग हैं टीच टीचर, हम लोग जा रहे हैं गोवा और एक तरीके के से ये फैमिली ट्रिप है क्योंकि मैं जा रही हूँ, सिस्टर है मेरी, यंगर सिस्टर, और देन ये मेरा नेफ्यू है, ये मेरी नीस है, और देन ये सिस्टर है। से हेलो दुदू, हेलो आप अपने, हेलो कर लो भाई, हेलो कर लो भाई, हेलो कर लो, हेलो मीरा, से हेलो हेलो। इसका भी मस्ती में दिमाग है। और हम लोगों का जो फ्लाइट है वो 7:30 पे है और अभी 6:15 हुए। हम लोगों का जो भी लगेज चेक इन है वो हो गया, सिक्योरिटी चेक इन हो गया, और अभी हम लोग आए हैं मैकडी क्योंकि हम लोगों को भूख लगी थी, सोचा है कि बर्गर खा लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे अपने बोर्डिंग गेट पे और बस यहाँ से बर्गर खा के फिर निकलते हैं। 26 जनवरी तक का नाइट कर्फ्यू था गोवा में, तो आज है 27, तो देखते हैं कि वहाँ पे अभी क्या कंडीशन है, तो उसके बारे में प्रॉपर मैं आप सबको अपडेट करूँगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज गोवा में हम लोगों का फर्स्ट डे है। रात हम लोगों को आते आते काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि हम लोगों का 7:30 की फ्लाइट थी, तो 9:40 के अराउंड हम लोगों का फ्लाइट लैंड हुआ था। फिर एयरपोर्ट आए और जब एयरपोर्ट के अंदर आ गए हमें अपना लगेज कलेक्ट करना था, उसके बाद याद आया कि हम लोगों का कैप फ्लाइट में ही रह गया। फिर हमने फ़्लाइट स्टाफ को, हमारी जो फ़्लाइट थी वो स्पाइस जेट से थी, स्पाइस जेट का स्टाफ को ढूंढा, बहुत देर तक उनका कोई स्टाफ ही नहीं दिख रहा था। फिर वहाँ पर हम लोगों ने उनको बताया, अपना बोर्डिंग पास दिया, देन हम लोगों का उन्होंने कैप ला के दिया, फिर ली, फिर अपना लगेज कलेक्ट किया। फिर वहाँ पर इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है आजकल, आपको अपनी कोविड रिपोर्ट चेक करानी है, RT-PCR नेगेटिव आपके पास होनी चाहिए, आपकी दोनों डोज जो भी वैक्सीन आपने लगवाई है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर हमने कैब कराया, देन आते आते होटल पहुंचे हैं हम लोग अराउंड 12:30 के आसपास। फिर उसके बाद हम लोग डिनर करने गए, होटल में अवेलेबल नहीं था। फिर हम साइड में ही एक रेस्टोरेंट था, पंजाबी कुछ करके था, यहीं पर कलंगुट बीच पर हम लोगों का होटल है। फिर हम लोग वहाँ गए, वहाँ से आते आते हम लोगों को 2:30 हो गया। फिर हम लोग आके सब फ्रेश हुए, चेंज किया, और फिर हम 3:15 के आसपास सब लोग लाइट वगैरह ऑफ करके सोने के लिए लेटे। तो सुबह उठते उठते ये इतना हेक्टिक कल का सारा रूटीन था तो हम लोगों को काफ़ी लेट हो गया था। अभी 10:00 के आसपास हम लोग उठे हैं, मेरा फेस से भी आपको लग रहा होगा कि अभी भी कितना टायर्ड सा लग रहा है क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि ब्रेकफास्ट करके हम लोग आते हैं और देन फिर दोपहर में 12 से 4-5 बजे तक, क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप होती है, तो हम एक बार और सो लेंगे जिससे कि इवनिंग में हम लोग थोड़ा सा फ्रेश दिखे। तो आपको मुझे रूम का एक क्विक सा रूम टूर देना था, बहुत ही अच्छा रूम मुझे लगा है। अभी मैं बालकनी में बैठी हूँ, बहुत अच्छा व्यू है, अभी दिखाऊंगी आपको। बट रात इतना थके हुए थे, इतना मैस बचा दिया, तो उस टाइम मैं कोई भी टूर वगैरह का वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो अभी दोबारा से जब रूम क्लीन हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊँगी कि रूम कैसा है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है, काफ़ी स्पेसियस है। होटल का व्यू दिखाती हूँ मैं आपको, एक मिनट रुकिए। ये होटल का व्यू है इस टाइप से, यहाँ पे इन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट दिया है, यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ अभी, और ये व्यू है, आप देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के। और उस साइड से यहाँ पे आई थिंक, हाँ इसी साइड से यहाँ पे 300 मीटर का डिस्टेंस पर बैक साइड में ही यहाँ पर बीच है, तो अभी देख के आएँगे कि कितना दूर है। और क्या बता रही थी मैं आप लोगों को, हाँ कि नाइट का जो यहाँ पे कन्फ्यूजन था, मुझे भी सब लोग सजेस्ट कर रहे थे कि आप अपना टिकट कैंसिल करा दीजिए, उस टाइप का कोई इशू नहीं है। रात हम आए हैं आराम से, उतना रश तो नहीं था बट हम लोग बहुत लेट भी थे, 12:30 या 1:00 के आसपास तो हम होटल आए हैं। तो बागा से हम कलंगुट बीच पे हैं, बागा यहाँ से 3 किलोमीटर है, तो मे बी कि वहाँ टिटोज लेन में थोड़ा सा रश हो, बट कह रहे हैं कि इस टाइप का कोई इशू नहीं है, 11:30-11 बजे तक आराम से घूम सकते हैं। बट दिन में आप जब भी घूमेंगे, जब जहाँ भी आप पब्लिक प्लेसेस पे जाएंगे वहाँ आपको मास्क वियर करना होगा, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हर जगह घूम सकते हैं, सारी चीज़ें ओपन है, क्लब वगैरह ओपन है, कसिनो वगैरह ओपन है, कुछ भी क्लोज नहीं है।
तो बस अभी हम रेडी होते हैं और देन पहले एक बार बीच देख के आएंगे या ब्रेकफास्ट करेंगे, वो अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है। अभी हम लोग जा रहे हैं बीच पे, अभी हम लोग नहाए धोए कुछ नहीं है, हम लोगों ने ऐसे ही, ये देखो आप, मैंने नाइट ड्रेस पहनी है, बस उसके ऊपर से मैंने डेनिम जैकेट वेयर कर ली और साथ में ये स्कार्फ टाई कर लिया बालों में। वैसे तो बाल मुझे वॉश करने हैं, बहुत ही गंदे गंदे हो गए थे कल। और अभी यहाँ से 300 मीटर है, पैदल ही जाके देख रहे हैं। अभी हम 100 मीटर अराउंड आए हैं तो देखते हैं वो 300 मीटर ही है या थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये जा रहे हैं सब लोग, अच्छा रास्ता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और अभी अराउंड 10:45 हुए हैं और इतना तेज़ धूप हो गई है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए चल के देखते हैं बीच कितना दूर है। यार गलत आ गए क्या हम लोग? लग तो रहा है यही रास्ता बीच की तरफ, हाँ यही होगा यार। पहली बार भी यही हुआ था हम लोगों के साथ, 11 बजे से इतना तेज धूप हो जाती है ना, इसलिए यहाँ पे जल्दी उठो, अर्ली मॉर्निंग 6 बजे उठो है पूजा, 11 बजे तक घूमो, उसके बाद अपने होटल आ जाओ, उसके बाद 4 बजे तक सो आके। और ये हमने कंफर्म कर लिया है यही रास्ता जाएगा बीच की तरफ और अराउंड ये इतना ही होगा 300 मीटर ही। और सैंड इतनी ज़्यादा गर्म हो गई है, पैरों पे लग रही है बहुत तेज यार। जब दिल्ली से आए थे तो ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो अब की बार गोवा में भी सर्दी हो, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, लास्ट ईयर की तरह बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। और ये लोग तो अटक गए पीछे, अरे आओ यार। और ये आ गए हम लोग बीच पे और ये है कलंगुट बीच। अभी बिल्कुल भी रश नहीं है, खाली है बिल्कुल, धूप की वजह से भी हो सकता है कि हम लोग 11 बज गए हैं। रुद्र पहली बार आया है किसी बीच डेस्टिनेशन पे और ये बहुत ही डर रहा है। इधर देखो, कुछ नहीं होगा बेबी, ये वेव्स आती हैं, आएंगी और फिर पीछे चली जाएंगी। मीलू मीलू क्या कर रहा है? एंजॉय एंजॉय कर रहा है मीलू। बहुत ही ज़्यादा धूप हो गई और अभी तक हम लोगों ने स्कूटी भी नहीं ली और बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। अभी आराम से यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, थोड़ा इन्जॉय करेंगे, देन फिर होटल जाके रेस्ट करेंगे, फिर शाम को जाएंगे हम लोग जहाँ भी जाना होगा हम लोगों को। मीरू सो जाओ, दूधी मुझे भी देना बेबी पानी। अचानक आ गई मैं।
अभी हम लोग हो गए हैं रेडी। हम जब बीच से वापस आ गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी, और अभी मैंने पहने हैं वाइट शॉर्ट्स, उसके ऊपर ये स्वेट शर्ट। हल्की सी वार्म है क्योंकि अभी शाम हो गई है, 5:30 हो गए हैं, तो थोड़ा सा स्कूटी पे ठंड लगेगी। अभी हम अपनी स्कूटी लेंगे, नीचे आया स्कूटी वाला, एक स्कूटी वाले को हमने बुलाया था होटल के थ्रू, तो अभी चल के स्कूटी देखते हैं, फिर शायद बागा बीच जाएंगे, अभी कुछ भी श्योर नहीं है। तो अभी निकलते हैं रूम से। चलो मास्क रख लिए सब लोगों ने अपने, रुद्र मास्क रख लिया आपने अपना, मीरू रेडी हो गया मेरा बेटा, देखो माय क्यूटी कैसी लग रही है, वाओ। और रुद्र और मीरू सेम सेम आउटफिट, सेम सेम। चलो भाई जल्दी चलो, मेरे पास आ नहीं रही। मुझे लग रहा है की फंस गई है इसकी, हर बार ऐसी खुलती है या इनकी, पता नहीं हमें एक दिया रखी गया ऐसे इनके पास से। जाते भी फंसती आते भी फंसती है ये, क्या भर रखा है ये करने के लिए। इसको स्कूटी समझ आई थी पहली बार, ये फसीनो है यार, वो कौन सी है, दोनों फसीनो है। ओके एक्टिवा का क्या चार्जेस है, 350। ठीक है, अभी मेरा स्कूटी पे बैठते ही सो गई, ये देखो इसको इतनी नींद आ रही थी, बैठते इसको झट से आग लग गई इसकी। कितने का पेट्रोल बहुत होगा, लोग आ गए हैं ब्रिटोस, ये आप पीछे देख सकते हैं। और हम लास्ट ईयर भी जब गोवा आए थे, यहाँ आना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, यहाँ का फूड इतना ज़्यादा यम्मी है। और अभी भी मैंने दिखाती हूँ आपको क्या ऑर्डर किया है, ये देखें, ये फ्रूट बाउल हमने ऑर्डर किया, दो फ्रूट बाउल ही विद आइसक्रीम हमने ऑर्डर किए हैं, ऑरेंज जूस ऑर्डर किया है, क्योंकि अभी डिनर
टाइम नहीं हुआ है और इतना हम लोगों को भूख भी नहीं है क्योंकि अभी 6 o'clock हुआ है यार। हम लोग वही करेंगे 9 o'clock तक ही करेंगे, तो इसीलिए हम लोगों ने अभी फ्रूट्स वगैरह ले लिया। हल्का सा भूख भी लगी थी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज है हमारा गोवा में डे 2nd और अभी हम लोग हो गए रेडी। ये है मेरा आउटफिट ऑफ द डे। ये मैंने वाइट कलर की स्कर्ट पहनी है, साथ में क्रॉक्स, ये क्रॉप टॉप। और अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रिटोस, वहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे, देन उसके बाद जाएंगे हम ईवा कैफ़े। तो चलिए निकलते हैं, मिलते हैं आपसे ब्रिटोस के। अरे मुझे भी ले लो। हाँ मीरू, ये दे। अरे गिरा देगी यार चीनू। बन नहीं रही ना पूजा की इतनी। स्कूटी पे बैठते ही सो जाता है ये बच्चा। ये देखो सो गया मेरा बच्चा। लोग आ गए हैं ब्रिटोस ब्रेकफास्ट करने। मीरू जग गया है। मीरू मीरू ये देखो ये आ गए हैं हम ब्रिटोस। वाओ चलो। अरे I'm